बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स से उम्मीद वासक है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तोरा तोरा करके जो लेसन्स हैं उनमें आपने द गुलिस्तान ऑफ सादी पढ़ा है, द रिवार्ड भी पढ़ा है, और उससे पहले जो ह्यूबर्ट वाला लेसन था जिसका टाइटल आपने खूब समझा था और आपको कई कुछ कहा भी गया था, वो द पीस ऑफ स्ट्रिंग भी आपने पढ़ा है। आज जो स्मार्ट सिलेबस का अगला लेसन है वो पढ़ेंगे, जिसका टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस। माइल्ड को तो लाइट स्लाइट जिसके मानों में, हल्का के मानों में हम लेंगे वो है, अटैक का इन्वेजन ऑन स्लाच हमला आपने पहले भी प्ले था, वहां ये लफ्स पड़ा था। और जो लोकस्ट है ये एक फ्लाइंग इंसेक्ट है जो ग्रोह की शक्ल में हरकत करता है, एक माइग्रेटरी नकल मकानी करने वाला जो इंसेक्ट है वो है, जो बड़े बड़े जो लश्कर हैं उनकी शक्ल में आगे बढ़ता है और फसलें वेजिटेशन यानी जो दरख्त वगैरह हैं, फसलें हैं, जो भी चीज़ सरसब्ज है उसको चट कर जाता है। पिछले एक दो सालों से ये पाकिस्तान में भी हमला करने लगा है। यहां जो आपके सामने लेसन है ये एकिनियन फैमिली है उसके मुतल्लक आपको बताएगा। किसान बरादरी हमेशा से हालात आफात और इस तरह के बाकी खदशात खतरात के दायरे में रहती है। कभी बारिश ने, कभी सैलाब ने, कभी मौसम की शिद्दत ने, और कभी टिड्डी दल जैसी मखलूकात ने, हत्ता के सुंडियां भी कभी कभी मुकम्मल तौर पर जो फसलें हैं उनका सफाया कर जाती हैं या करने में कामयाब हो जाती। फिर आप का जो मुल्क है इसकी जो तकरीबन 70% आबादी है वो यही काम करती है, यानी आपका जो कंट्री है, मुल्क है, वो एक ज़रई मुल्क है। किसान बरादरी फसलें बोने के बाद उसकी हिफाजत करने की भरपूर कोशिश करती है, कभी परिंदों को उड़ाकर, कभी जंगली जानवरों से लड़कर, और फिर अक्सर औकात अल्लाह से इल्तजा करके के हालात साजगार रहें, उनकी जो रोज़ी रोटी है उसका इंतज़ाम होता रहे, चूल्हा चलता रहे। यहाँ पर आपके सामने जब टिड्डी दल हमला करेंगे तो एक खातून है मार्गरेट, उसका जो ज़रई फार्म है उसके ऊपर हमला आपको दिखाया, वैसे 50 मील के इलाके में हमला होगा,
टिड्डी दल जब आएंगे तो मुलाजमों को बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, एमरजेंसी बेल है वहां पे, जो जिस तरह के आपके इदारे में भी एक तो रूटीन बेल है, रेगुलर बेल है, जो पीरियड चेंज होने पे ऑफ टाइम पे होती है, एक एमरजेंसी बेल है, अल्लाह ना करे कभी बजानी पड़े, वो तब है जब जो हालात हैं वो काबू से बाहर होते हुए नजर आए और बच्चों को अचानक से बाहर निकालना हो। फिर जो किसान हैं वो दो तरीकों से अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका ये होगा कि आग जलाएंगे। आपको पहले भी कहा गया था कि जो जंगल का इंसान था रात को आग जलाए रखता था जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, और सर्द मौसम में भी काम, लेकिन गर्मियों में भी ऐसा ही आम तौर पे होता था। फिर दूसरा काम ये करेंगे कि शोर करेंगे। आपने देखा होगा कई बार फसल पकी होती है और किसान एक जो घी का खाली टीन है जिसको पीपा कहा जाता है वो लेके बजा रहा होता है, जहां इस तरह की और आवाजें निकाल रहा होता है। उसका मकसद म्यूजिक क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि जो परिंदे हैं आम तौर पे बच्चों इस तरह का शोर सुन के उड़ जाते हैं और किसी और इलाके में चले जाते हैं। सारे दिन की मेहनत के बाद जो किसान हैं वो हार जाएंगे। ऐसे जिस तरह के बच्चा सारा साल पढ़ता है लेकिन कभी कभी बीमारी या कोई छोटा मोटा हादसा उसको नाकामी की तरफ धकेल देता है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन नावलिस्ट है, उसका एक नावल बहुत मशहूर है, द ओल्ड मैन एंड द सी। वहां वो लिखता है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक शख्स के टुकड़े कर दिए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं, मगर वो हार नहीं मानता अगर वो इंसान है तो। और फिर ये भी कहता है, मैन इज नॉट बॉर्न टू बी डिफीटेड। आदमी शिकस्त के लिए पैदा ही नहीं। इस तरह के और बड़े बड़े क्लेम थे। फिर ये कि व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ये इसका मॉरल भी एक तरह से, जिस चीज का इलाज नहीं होता या इलाज नहीं हो सकता उसका इलाज सब्र होता है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। और बच्चों यहां पर आपके सामने ये जो लोग हैं ये सब्र भी करते हुए दिखेंगे, वैसे तो खैर इनकी मालकन है, उसका हाल आपको बताया जाएगा, और साथ में फिर ट्राई ट्राई अगेन वाला सीन भी है। टाइम काफी हो चुका, आइए टिड्डी दल के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो वहां है। आउट रैन मार्गरेट, जो फार्म हाउस की मालकन है, जो ओनर है, मार्गरेट बाहर को भागी टू ज्वाइन देम, बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए, मार्गरेट पहाड़ों को देखते हुए उनके साथ मिलने के लिए, बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए बाहर को भागी। आउट केम द सर्वेंट्स अटेंडेंट्स, AETENDANTS, जो मुलाजमीन थे वो बाहर आ गए। फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाना से, बावर्ची खाने से कर ले। दे आल स्टूड एंड गेज्ड, पढ़ा था आपने गेज, स्टेयर्ड STARED, वो तमाम के तमाम खड़े थे और टिकटिकी बांध के देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स, चट्टानों की सतह के ऊपर, ऑफ द माउंटेन पहाड़ों के, वाज अ स्ट्रीक लाइन, जो रो है ROW, वो थी एक बैंड था, एक पट्टी सी थी ऑफ रस्ट। बच्चों रस्ट आपने पढ़ा हुआ है, रस्ट कलर्ड, रेड ब्राउन कहेंगे या आप इसको ब्राउन भी कहें तो भागेगा, जंग का रंग।
अब जंग जब लगता है, आपने लोहे को जंग लगता हुआ देखा होगा, तो आमतौर पर ब्राउन होता है, भूरे रंग का। लुकास वहां पे टिड्डी दल हैं, देर देखें वो वहां आ गई। अब अगर ये खतरा है तो खतरा देखते ही लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए चीखों पुकार करते हैं, ताकि सारे अपने अपने कामों को छोड़कर जो भी कर रहे हैं टिड्डी दल से लड़ने के लिए बाहर निकल आए। बामहावरा, देखो देखो वो वहां है। मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए बाहर को भागी। बोर्ची खाने के मुलाजम बाहर निकल आए, वो सब खड़े थे और टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। पहाड़ की चट्टानों के ऊपर हवा में भूरे रंग की एक पट्टी थी, वो टिड्डियां थीं, वो वहां आ गईं। एडवांस रिचर्ड, बच्चों दो लोग हैं जो फोर मैन जिस तरह से होता है, एफ ओ आर ई फोर नॉट एफ ओ यू आर। आपने देखा कि प्रिंसिपल का काम बाकी टीम को मैनेज करना होता है, जिस तरह के हर जगह बच्चों एक हेड होता है, वो बाकियों को हेडेक तो देता है, लेकिन बच्चों अगर वो नहीं है तो फिर शायद सारे ही हेड बन जाए। जिस तरह घर का एक नंबरदार होता है, चौधरी होता है, और वो बाकियों को कंट्रोल करता है, ऐसे ही एडवांस बच्चों ये दो लोग हैं जो कि बाकी जो सर्वेंट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। एक रिचर्ड है, दूसरा स्टीफन है। एडवांस रिचर्ड शाउटेड, येल्ड, क्राइड, स्क्रीम्ड, चिल्लाया। फौरन रिचर्ड ने बवर्ची को चिल्लाते हुए आवाज दी। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, जो बूढ़ा स्टीफन था उसने घर के मुलाजम को चीखते हुए पुकारा। द कुक बॉय, जो बावर्ची था, कुक बॉय को क्या कहेंगे, शेफ कह लें, बावर्ची, जो बावर्ची था वो रैन, भागा, टू बीट द ओल्ड प्लो शेयर। बच्चों प्लो शेयर, आपने हल देखा है, पहले बैल खींचते थे, आजकल जो ट्रैक्टर है वो खींचते हैं। पहले लकड़ी का हल होता था, लेकिन उसके आगे एक लोहे का ब्लेड होता था, इसको हम प्लो शेयर को ब्लेड लिखेंगे, बी एल ए डी ई। अगर वो लोहे का ब्लेड नहीं है तो बच्चों जमीन को चीरना नामुमकिन है ऑलमोस्ट लकड़ी के लिए। ऐसे समझिए जिस तरह के आपने कई बार जो बेलचा है वो देखा है बच्चों, उसको जो पीछे डंडा है, सपोर्ट है, वो लकड़ी की है, लेकिन वो जो ब्लेड है वो लोहे का होता है, क्योंकि लकड़ी जमीन को, सख्त जमीन को नहीं काट सकती और वो काटेगा। आज भी अगर आप ट्रैक्टर के जो औजार हैं उनमें जो हल है, जो बच्चों कल्टीवेटर है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके साथ भी लोहे के तकरीबन बच्चों 10-12 इंच लंबा एक फाड़ा होता है, उर्दू में बच्चों उसको वैसे हल का फल कहते हैं। वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आमतौर पे जो बैल है वो किसी दरख्त के साथ लटकाए गए एक लोहे का टुकड़ा होता है या गार्डर का टुकड़ा होता है, उसको एक और लोहे से या बच्चों राड से मार कर पीट कर बच्चों जो पीरियड चेंज होने का या ऑफ टाइम का ऐलान किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे हल का फल। क्या कहेंगे प्लोशेयर को, आयरन ब्लेड या हल का फल। जो बोर्ची था वो हल के फल को बजाने के लिए भागा। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, ब्रांच का आप लिखेंगे ट्विग, टी डब्ल्यू आई जी, जो दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था, दरख्त की शाख के साथ लटका हुआ था। क्यों, विच वॉज यूज टू समन, आर्डर, कॉल फॉर या कॉल, जो कि बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था, जो कि एमरजेंसी कॉल थी, लेबरर्स, वर्कर्स, मजदूरों को एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस आप लिखेंगे डिफिकल्टी, या एक चंदा लफ्ज है डेड लॉक, डी ई ए डी एल ओ सी के, डेड लॉक।
बोहरान, जो किसी बोहरान की सूरत में मुलाजमीन को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय रैन, जो घर का मुलाजम था, रैन ऑफ टू द स्टोर, स्टोर की तरफ भागा टू कलेक्ट, ताकि वो इकट्ठा करे। क्या इकट्ठा करना उसने? टिन कैंस, जो लोहे के को डिब्बे वगैरह हैं, जिस तरह बच्चों आपने देखा जो कैन होता है, और एंड एनी ओल्ड बिट पीस ऑफ मेटल, या कोई भी धातु का टुकड़ा। अब बच्चों जिस तरह शोर करना है, आपने देखा कोई खाली प्लेट लेके शोर कर सकता है उसको बजा के, कोई किसी परात को लेके, कोई बच्चों जो आयरन पैन है उसको लेके, कोई खाली टीन को लेके करना शोर है। और आम तौर पे जो इस तरह से धात का शोर है वो ज्यादा तेज होता है पूरे पैरे का। फौरी तौर पर रिचर्ड ने बोवर्ची को चीखते हुए पुकारा। बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजम को चिल्लाते हुए पुकारा। बोवर्ची दरख्त की शाख के साथ लटके हुए हल के फल को बजाने के लिए भागा, जो मजदूरों को बुलाने के लिए, जो मजदूरों को किसी बोहरान की सूरत में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घर का मुलाजम जो था वो टीन के डिब्बे और धात के पुराने जो बर्तन थे, टुकड़े थे, वो इकट्ठे करने के लिए स्टोर की तरफ भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग, रीसाउंडिंग, RESOUNDING, जो फार्म था वो गूंज रहा था। विद द क्लैमर नॉइस NOISE, जो शोर था, जो अपरोर था, उससे गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट, और वो देख सकते थे कि जो मुलाजमीन थे वो उमड़ते हुए दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे ऑफ कंपाउंड। बच्चों कंपाउंड को आप इनक्लोजर कह लें, कोर्ट यार्ड कह लें, एहाता। और वो सहन से, एहाते से उमड़ते हुए भागते हुए बाहर को आ रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और जोश के साथ चिल्ला रहे थे। सून दे ऑल हैड कम टू द हाउस, सारे घर पहुंच गए थे। रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTION, उन्हें अहकाम जारी कर रहे थे। हरी हरी हरी, क्विक बी क्विक, हेस्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी क्यों करनी है? जो मुसीबत है वो आन पड़ी है, जो ख़तरा है वो सर पे है, उससे लड़ने के लिए। पूरे पैर का बाम हावरा बस। फार्म हाउस घंटी की तेज आवाज से गूंज रहा था, और वो मजदूरों को हाथे में इकट्ठा होते हुए देख सकते थे, जो पहाड़ियों की तरफ इशारे कर रहे थे और जोश के साथ चिल्ला रहे थे। जल्द ही वो सब घर आ गए, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तीन बार लिखेगा। लेसन वो कैब वाइज, थाट वाइज खासा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करने का, वो कैब तैयार करने का विद स्पेलिंग। आपने देखा अब की बार MTCAT में जो आसान आसान वर्ड्स थे उनके जो स्पेलिंग हैं वो भी आजमाए गए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।